अब ऐसा वो वाईफाई सुन के लगता है वो वाईफाई क्या है, लेकिन बेसिकली इसको और थोड़ा एलेबरेट करें तो भाई वॉइस ओवर वाईफाई, मतलब पहले वॉइस ओवर LTE था, वॉइस ओवर GSM था, वॉइस ओवर वोल्टी था, अब भाई आ गया है वॉइस ओवर वाईफाई। वो वाईफाई की बात करें तो बेसिकली उस टाइप की सर्विस है कि यहाँ पे आप जो वॉइस कॉल है वो सेंड या रिसीव, मतलब आप किसी को कॉल कर सकते हो या किसी की कॉल रिसीव कर सकते हो सिर्फ अपने वाईफाई के कनेक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ कि वो वाईफाई करना कैसे है, मतलब वॉइस ओवर वाईफाई करना कैसे है। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, हम अपने फोन को डालेंगे एयरप्लेन मोड में और यहाँ पे भैया सिम का कोई लेना देना नहीं होगा, मतलब हमारा जो सिम कार्ड है वो यहाँ पे पूरी तरीके से हम कर देंगे बंद। और यहाँ पे मैं अपने घर के एयरटेल ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करूंगा अपने फोन को और उस ब्रॉडबैंड पे मतलब उस वाईफाई के थ्रू मैं आपको कॉल करके दिखाऊंगा किसी दूसरे ऑपरेटर पे। क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब। तो यार एयरटेल वाईफाई कॉलिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे फोन के अंदर अगर मैं लॉक स्क्रीन को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे कॉर्नर में आपको लिखा हुआ आ जाता है एयरटेल वाईफाई। तो चलिए फिर वाईफाई कॉलिंग यहाँ पे कर लेते हैं हम चेक। तो फोन को करते हैं ओपन और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरा फोन है अभी वो नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो इसके अंदर बेसिकली एयरटेल की सिम डली हुई है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं वाईफाई कॉलिंग को टेस्ट करने के लिए, हम सबसे पहले यहाँ पे अपना नेटवर्क को बंद कर देते हैं। तो ये मैंने एयरप्लेन मोड पे डाल दिया अपने फोन को और अब मेरा फोन सिर्फ और सिर्फ वाईफाई से कनेक्टेड है। यहाँ पे कॉर्नर में आप देख सकते हो तो यहाँ पे तीन आइकन आ रहे हैं, बैटरी का, वाईफाई का और एयरप्लेन मोड का, मतलब अब यहाँ पे मेरा फोन सिर्फ और सिर्फ वाईफाई से कनेक्टेड है। तो अब यहाँ पे दोबारा चेक करें तो आप देख सकते हो एयरटेल वाईफाई लिखा रहा है और यहाँ पे कॉर्नर में सेम आइकन भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलो फोन को कर लेते हैं ओपन और अब यहाँ पे कॉल लगा के देखते हैं कि एक्चुअल में वाईफाई कॉलिंग काम कैसे करती है। तो मैं गया अपने डायलर पैड पे और यहाँ पे मैं करता हूँ कॉल। ये मैंने यहाँ पे डायल कर दिया नंबर और लगाते हैं हम कॉल और फिर देखते हैं कि कॉल किस तरीके से यहाँ पे आती है। तो ये देखो मेरे दूसरे फोन पे यहाँ पे कॉल आने लगा। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो कि स्टिल जो मेरे फोन से कॉल लग रही है वो यहाँ पे वाईफाई के ऊपर ही हो रही है। तो ये है वॉइस ओवर वाईफाई। तो ये मैंने जो कॉल किया था वो था एयरटेल टू एयरटेल। अब एयरटेल से हम किसी दूसरे नंबर पे कॉल करके देख लेते हैं। तो एयरटेल से जियो पे अगर मैं कॉल करता हूँ तो ये रहा मेरा जियो का फोन और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कॉल मेरे पास आ रही है। चलो अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यार मैंने वाईफाई से कुछ मतलब तिगरम्बाजी करके कॉल कर दी, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे वॉइस वर्सा करके टेस्ट कर लेते हैं कि भाई कॉल वाईफाई से मैं बाहर तो कर पा रहा हूँ लेकिन क्या मैं वाईफाई पे कॉल रिसीव कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए काम करते हैं, यहाँ पे आप मेरे फोन में स्टिल देख सकते हो कि जो फोन है वो वाईफाई नेटवर्क पे है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस फोन से मैंने यहाँ पे कॉल किया और यहाँ पे वाईफाई के ऊपर भी मैं कॉल बहुत अच्छे तरीके से रिसीव कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर मैंने छुपा रखा है लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो वाईफाई के ऊपर भी मैं यहाँ पे कॉल रिसीव कर रहा हूँ और कॉल को पिक करना है तो ये हमने कर लिया कॉल को पिक और ये जो बात हो रही है ये पूरी की पूरी वाईफाई नेटवर्क पे ही हो रही है। तो यार ये थी यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग। तो यार ये थी यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग जो कि काफी टाइम से चर्चा में थी और फाइनली अभी सारी कंपनीज ने इसको रिवील करना शुरू कर दिया है। अगर हम बात करें एयरटेल की वाईफाई कॉलिंग को तो दिल्ली NCR में काफी टाइम से थी, अदर स्टेट्स में भी लॉन्च कर दी गई है सर्विस। बात करें जियो की तो जियो पहले महाराष्ट्र में टेस्ट हुई थी, वहां पे पहले से थी और अब बाकी सर्कल्स में भी लॉन्च किया जा रहा है। तो यार ये थी यहाँ पे सारी चीजें वो वाईफाई के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको टेक्नोलॉजी पसंद आई होगी। बहुत ही जल्दी अगर आपके स्मार्टफोन में फीचर नहीं है तो आ जाएगा, पेशेंस रखिए क्योंकि अभी सर्विस जस्ट इंडिया में लॉन्च हुई है और धीरे धीरे मतलब सबके पास पहुंच जाएगी। तो इस वीडियो को यहाँ पे करते खत्म। चीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिल्कुल याद से और आगे मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।